डॉक्टर महेंद्र सिंह माननीय मंत्री जल विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश तथा गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री भारत सरकार द्वारा लहचूरा डैम अर्जुन सहायक फीडर काशीपुरा पेयजल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार शेखावत जी ने आला उदल की धरती को प्रणाम करते हुए मौजूद जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है जो जल संसाधन को लेकर काम कर रहा है। इस मंत्रालय का कार्य अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए कई परियोजनाएं संचालित की हैं जिसमें पूर्ण हो जाने पर बुंदेलखंड की धरती प्यासी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 2600 करोड़ की लागत से तैयार अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हो गई है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस परियोजना का लोकार्पण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए पुल पुलिया मरम्मत तथा पानी घर घर पहुंचे उसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना शुरू की गई है। इसके पूरे हो जाने पर जनपद महोबा में किसी भी व्यक्ति को पानी की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दो आपदाओं के बाद भी सरकार ने योजनाओं को लागू करने की गति में कोई भी कमी नहीं की। उन्होंने लोगों को बताया कि देश भर में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए नदी जोड़ो परियोजना का DPR तैयार किया गया है। इसी वर्ष से केन बेतवा लिंक योजना का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके पूरे होते ही बुंदेलखंड हर तरह से खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को पानी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा। वर्षा का जल संरक्षण और उस जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को समृद्ध करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 12 परियोजना पर काम चल रहा है। इसमें से लहचूरा और मोधा बांध परियोजना सीधे तौर पर महोबा को लाभान्वित करेगी। कुलपहाड़ परियोजना भी इस वर्ष पूरी होगी और कहा कि बुंदेलखंड में जल शक्ति विभाग द्वारा अभूतपूर्व कार्य कराए जा रहे हैं। वन महोत्सव कार्यक्रम के परिक्षेप में लहचूरा तट बंद पर माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार ने पाकड़ तथा माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश ने नीम का पौधा लगाया है। इस मौके पर सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार पंकज कुमार, DM सत्येंद्र कुमार, SP सुधा सिंह, SDM RS वर्मा, SDM कुलपहाड़ सुथान अब्दुल्ला शहद, अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो केन और बेतवा नदी का जुड़ाव और इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड के अर्जुन सहायक और सरयू इन दोनों परियोजनाओं का समय पर कंप्लीट होना। छोटे छोटे बांध जिनका उल्लेख अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने किया, रतिन का बांध और ऐसे सारे बांधों का समय से पूरा होकर के उनका उपयोग होना, इन सब विषयों पर बहुत तेज़ी से काम करते हुए या तो हम काम पूरा कर चुके हैं या कुछ छोटा विषय बाकी है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ केन और बेतवा नदी के जोड़ने के साथ में देश में नदियों को जोड़ने के एक नए युग का प्रारंभ भी इसी वर्ष से करना प्रारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। महोबा से जिला संवाददाता संतोष कौशिक की रिपोर्ट।